ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थाना मोहाली में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मतलब अब मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। ये FIR हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट के आधार पर की गई। विक्रम मजीठिया पर NDPS एक्ट की धारा 25, 27 ए और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। ये भी बताया गया है कि जल्द ही विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ड्रग्स मामले को लेकर पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दावा कर रहे थे कि स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मजीठिया का नाम शामिल है। ये रिपोर्ट ADGP हरप्रीत सिद्धू का नेतृत्व में तैयार की गई। पिछले दिनों ड्रग्स मामले को लेकर मजीठिया पर लगातार आरोप लगते रहे थे। सुखबीर सिंह बादल ने बेअदबी मामलों पर राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि कांग्रेस सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पुलिस से जांच कराई जा रही है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बेअदबी की कोशिश की घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस जघन्य अपराध के अपराधियों को पकड़ने के बजाय बेअदबी के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है और यही कारण है कि श्री हर मंदिर साहिब में बेअदबी की हालिया घटनाओं की न्यायिक जाँच के आदेश नहीं दिए गए। सुखबीर सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर पर्चा दर्ज करवाने पर अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने बदलाखोरी की कार्रवाई बताया। सरदार बादल ने कहा कि इस बात का इल्म उनको पहले से था, इसलिए पंजाब सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ही 3 DGP बदले हैं। पंजाब के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतने कम समय में 3 DGP बदले गए। कुछ नहीं किया तो 4 दिन बाद आ हादसा हो गया। इहदा वड्डा कारण मैं कह सकदा कि जिहड़ी सरकारां ने या पार्टियां ने खास करके सियासत करने की कोशिश की है, दोषियों नूं फड़न दे बजाय सियासत की है। असीं भी अज कह सकते सी जिमें कांग्रेस पार्टी ने सियासत की, असी भी कह सकते सी। बादल ने कहा कि पहले अफसरों ने कह दिया था कि बिना कारण किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, इसके बाद पंजाब सरकार को नया DGP लाना पड़ा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए गगन बटला की रिपोर्ट।